ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 2024 इलेक्शन हमारे महामहिम प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। आप इसको जीत भी कह सकते हैं और हार भी कह सकते हैं। मैं राजनीतिक आक्षेप भरा कोई विषय नहीं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा किया, मोदी खराब किए, मोदी इसलिए कम वोट पाए, और ये सारा यहां मैं किसी के विरुद्ध और किसी के फर में बोलने नहीं बैठा। आप पब्लिक हो, पब्लिक ही सब जानता ही, पब्लिक ही इसलिए अच्छा बुरा आप समझो। मेरा यहां काम यह है कि वर्तमान जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये आने वाला समय में क्या बोल रहा है, और अगर ये मोदी जी का जो राशि जो कुंडली नेट में सही है, आने वाला समय मोदी जी और भारत का जो दशा अंतरदशा, मार्केट देश विदेश परिणाम, अयोध्या वाले सही किए गलत किए, यूपी वाले सही किए गलत किए, राहुल बाबा और वो लाल टोपी वाला क्या नाम है उसका, अखिलेश बाबा सही किए गलत किए, वो आप जाना। ओपोजिशन है, ओपोजिशन है, उनका लॉक साथ दिया, तारे गर्दिश पे आ गए, उनको सीट मिल गया, मिल गया। इनका तारा कहीं ना कहीं से डाउन था तो इनको थोड़ा सा कम मिला, लेकिन पीएम तो हो रहे ना, नेहरू जी का रिकॉर्ड 3 बार का आ गया ना, चलिए अच्छा बात है, खुशी का बात है। लेकिन यहां एस्ट्रोलॉजिकली आने वाला समय का हालत मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा मतलब नहीं कि पूरा खराब हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं कि हमारे श्री अच्युत मालिका, क्योंकि आप जानते हो मैं अच्युत मालिका का बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं है तो इसके लिए मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाता हूं, और ऑलरेडी मार्केट में है मालिका वाले बड़े सारे चल रहे हैं तो हम बीच में क्यों कूदें, और गुरु आदेश मिले तो इसके ऊपर हम लोग मैं काम करूंगा। मालिका शास्त्र में 2028 तक, दूसरा 38 तक और 48 तक ये जो स्थिति बताया जा रहा है, तो चलिए 38 और 48 तो उसके आगे है, लेकिन अभी 28 तक का जो स्थिति है, इस कंडीशन में एक तरफ मंगल चंद्रमा दशा अंतर दशा और वृश्चिक राशि में अभी शनि चतुर्थ स्थान, मन का स्थान ढैया, आने वाला समय में पंचम शनि का पनौती भुगतना पड़ेगा, और इस आने वाला 5 साल में जब शनि मीन राशि में आ जाएंगे तो शनि का तृतीय दृष्टि वृषभ भारत के ऊपर, जिस जगह में राहु बैठा हुआ, और राहु यहां के वृषभ के दशम स्थान में 10, 11, 12, 10 में बैठेंगे, इस कंडीशन में क्या होने वाला है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि लास्ट शनि 7:30 शनि का मीन, और विगत 100 साल का मेरे पास जो रिसर्च रिपोर्ट गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, ईश्वर कृपा से, नवग्रहों के कृपा से, बहुत सारे रिसर्च पेपर तालपत्ता और इसमें जो भी हिस्ट्री है, मीन शनि और मेष शनि को तो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा गया। विगत 30 साल से
पहले अगर आप हिस्ट्री निकालोगे, उसका 30 साल पहले निकालोगे, उसका 30 साल 1800 साल से अगर निकालते हो, नौ का दुर्भिक्ष जहां पर उड़ीसा में लोग कीड़े मकोड़े जैसे मरने लगे, खाना मिला नहीं, दुर्भिक्ष हो गया, सूखा पड़ गया। और ठीक ऐसे ही हर एक साल का अगर देखते हैं, विश्व युद्ध और बाकी बाकी जितना सारा समस्या है, और जैसे अभी कोरोना महामारी गया, उस समय भी उस प्रकार का महामारी, ये मीन और मेष का शनि जो एक साल के बाद शुरू होने जा रहे हैं, और उसी समय वृश्चिक राशि का पनौती, ढेर सारे चैलेंज, कष्ट, पीड़ा, बाधा, विघ्न, डाउनफॉल को लेके, धोखा को लेके आ रहा है ये मोदी जी के लिए भी। आज से 6 महीना पहले अगर ढूंढोगे इलेक्शन में कौन जीतेगा, ऐसा प्रश्न था, उसके लिए मैं वीडियो बनाया था, और राहुल जी का और मोदी जी का 5,500-6,000 वीडियो का जंगल से कौन निकाले वो वीडियो, मैं खुद नहीं निकाल पाऊंगा, टाइम भी नहीं है, आप ढूंढोगे तो निकल जाएगा। मेरे चैनल में मैं बताया था मोदी जी जीतेंगे बोल के, 6 महीना पहले मेरा प्रेडिक्शन था, इसी चैनल में वो वीडियो पड़ा हुआ है, कैसे जीतेंगे, क्या जीतेंगे। और राहुल, उस वीडियो में मैं बताया था कि मोदी जी का राहुल से भारी है, लेकिन राहुल भी टक्कर देगा, ये उस वीडियो में मैं बताया था, मेरे को याद है, जो लोग मेरे चैनल में पुराने हैं वो वीडियो सुने होंगे, अच्छा व्यू भी मिला था उसमें, एनीथिंग इट मे बी। 6 महीना पहले का मेरा प्रेडिक्शन अभी हो गया कि मोदी जी जीतेंगे। आप बोलोगे ये कौन सा बड़ा बात है, वो तो जीतने वाले दिखाई देते, हवा था, नहीं भाई, थोड़ा सा टक्कर और गलत एक आंकड़ा इधर उधर होता ना, तो अभी भी जो कंडीशन है एकदम कांटे पे चल रहा है। यही तो एस्ट्रोलॉजर का रियलिटी रहता है कि वो भाप लेता है। चलिए वो मेरा बहादुरी हो जाएगा, बंद करता हूं इस विषय, अभी क्या होने वाला है इसमें बात करता हूं। मेटल मार्केट डाउन जाएगा, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला मार्केट पीड़ित होगा, बड़े सारे उथल पुथल दिखाई देंगे, लोहा, कोयला, तेल, खाद्य सामग्री कीमत में वृद्धि होगा, ऑन अवेलेबिलिटी इन मार्केट दिखाई देगा। देश में ढेर सारे ऐसे संकट जो बिना मतलब के हैं, सरकार अभी जिस प्रकार के पलड़े में, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, और उधर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, ये प्रधानमंत्री नहीं होके भी प्रधानमंत्री हैं, और दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं वो मुझे अच्छे मतलब उंगली करने का आवश्यकता नहीं है, और मैं उनके ऊपर नेता है, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं, पब्लिक है, सब जानता है। तो नेचुरली मोदी जी के ऊपर एक अंडर प्रेशर तो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बड़े सारे कार्यों में बाधा स्वाभाविक है। नहीं, अच्छे बुरे वो जाने, मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, देश का महंगाई बढ़ गया, बेकारी रोजगार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, वो तेल का रेट बढ़ गया, खाने का रेट बढ़ गया, महंगाई हो गया, वो आप जानो, मुझे उसे कोई मतलब नहीं। क्या इस इन सबको आने वाला 5 साल में ये ठीक कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, फुल कॉन्फिडेंट लॉक करो, बल्कि समस्या का घेरा और बढ़ेगा। बेरोजगारी का समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। महंगाई कम हो जाएगा? नहीं होगा। ये कितना भी कोशिश कर ले नहीं कर पाएंगे। अगर 1 साल के अंदर हो गया तो हो गया समझना, और 1 साल के बाद अगर होगा भूल जाओ। इवन इफ ऐसा कंडीशन आगे चल के दिख रहा है, जहां पर अभी से प्रेडिक्शन दे दे रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार टूटने का कगार पे आ सकता है, या फिर उस समय ये वीडियो बनाऊंगा तो ये याद कराऊंगा, जैसे अभी याद करा रहा हूं ना कि वीडियो दिया था मोदी जी जीतेंगे लेकिन टक्कर के साथ जीतेंगे, और राहुल का भी टक्कर देने वाला कंडीशन रहेगा, और बाकी लोग जो यहां राहुल को हल्का समझ रहे हो, हल्का मत समझो, टकरावाएगा टकराएगा बेटा, उथल पुथल होगा जो अप्रत्याशित होगा, ऐसा शब्द भी उस वीडियो में लगाया हूं, आप जाके देख सकते हो, 6 महीना पहले का वीडियो है। तो ये दिख रहा है कि सरकार के ऊपर ऐसा कुछ कंडीशन आ सकता है जहां पर इन 5 सालों के अंदर या 1 साल के बाद या उससे पहले भी ऐसा कुछ कंजक्शन ग्रह दिखाई दे रहे हैं जहां स्पेशल कोई ना कोई नेता मर सकता है, सस्पिशियस डेथ होगा,
संभावना बहुत है जो पता चलने नहीं देगा। सरकारी लेवल पे लेग पुलिंग, टांग खिंचाई बढ़ेगा, इंटरनल ब्लैकमेल का रिपोर्ट आ सकता है, कुछ ज्यादा चांसेस है। बाहर इन सब को फिनिशिंग करने के लिए, लाग लपेट करने के लिए बड़ा कोशिश चलेगा। यानी सरकार को संभालने का जो जिम्मेदारी है, ये कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हुए और समस्या प्रद होते हुए इंटरनली दिखाई देगा। यानी ये राजनीतिक सेक्टर का, देश का आंतरिक माहौल कहीं ना कहीं से बड़े लेवल पे बिगड़ सकता है। बड़े बड़े निर्णयों को जो आज बोल रहे हैं मोदी साहब कि हम निर्णय लेंगे, लेने का देना पड़ सकता है। वो पावर, वो ताकत यहां मीन का शनि अलाउड नहीं करेगा और लेना भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या हो रहा है कि आकाश मंडल में जब डिस्ट्रक्टिव ग्रहों का डिस्ट्रक्शन एरिया जोन है, ये मीन राशि, मीन शनि के लिए पर्टिकुलरली, और राहु इसको फील्ड बनाया, राहु जब पीछे आ जाएगा कुंभ में, तो राहु और केतु, अच्छा केतु भी देखिए सिंह के घर में पहुंचेगा, सूर्य के घर में, राजा के घर में, गवर्नमेंट के घर में, मतलब पावर के घर में, उस एनवायरमेंट को जब ट्रैप कर देगा तो भाव बल आधार पर सूर्य 1.5 साल तक प्रचंड पीड़ित चलेंगे। जिसे अभी कन्या के घर में है तो बुध यहां पर ना अच्छा दे पा रहा है, ना बुरा दे पा रहा है, ना उफड़ पा रहा है, ना सफड़ पा रहा है, बेचारा लटके लटके चलता है। आप ऐसे भी समझो कि बुध का 2 घर है और 1 घर में बेटा पाप ग्रह बैठा हुआ है। जैसे अभी गुरु के घर में राहु बैठा है तो गुरु उफड़ नहीं पा रहा है, अच्छा देने का कोशिश कर रहा है। देखो अभी पंचम का मकर, नवम का कन्या, कन्या का नवम, एकादश का कर्क, लेकिन गुरु दे नहीं पा रहा है। जिस लेवल पे देना चाहिए या जो लेवल पे फायदा होना चाहिए दिख नहीं रहा है, बल्कि नेगेटिव फल हो रहा है। गुरु जिस दिन घुसे घटाघट, कुछ लोग टाटा बाय बाय हो गया। तो इस कंडीशन में सूर्य के घर में केतु का होना, प्लस ये जो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, जहां से मेदिनी ज्योतिष का मूवमेंट का देखना पड़ता है, यहां पर मीन के ऊपर और मेष से इधर का मूवमेंट को अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं से इस डिस्ट्रक्शन एनर्जी हाई ग्रोथ कर रहा है। यानी क्या, अभी लाल टोपी और पगला दोनों पावर दे रहा है यहीं से, ये आगे चल के और ताव भाव बनाएंगे। इनके अंदर हवा लग गया, इनके अंदर पावर बढ़ गया। आप देखे होते पगला कैसे घूम रहा था छती उती फुला के जिस दिन वोट पाया। नहीं, हम पगला बनते हैं, नाम लेना नहीं चाहते हैं किसी का, लाल टोपी लाल टोपी है। तो ये दोनों को समझ लो कि एक केतु एक राहु, अब दोनों, अब देखो एक बार, एक तो शनि के घर में घुसेगा, दूसरा सूरज के घर में घुसेगा। शनि माने जनता, शनि बाबा का मूल त्रिकोण, और एक सूरज के घर में घुसेगा। अच्छा जानते हो, जिस दिन इलेक्शन ये 4 तारीख को हुआ, 4 और 5 को मैं देख रहा था मुचमुंडे गुंडे लोग, यानी केतु और राहु, राहु मैंने आपको कई बार बोला हूं, बोलने का आवश्यकता नहीं है, इतना खुश, इतना मुंह में प्रसन्नता मैं विगत 10 साल से नहीं देखा था। दोनों राहु केतु हमारे यहां दोनों अवेलेबल है, एक डिंगडिंग वाला, एक वाला आ वाला, आ आ आ आ आ, समझ जाओ जितना बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस बारे में कभी बोलता नहीं। मैं कई सारे लोगों से बोला, देखो ये शैतान का शासन चल रहा है। हाँ सही बोल रहे हो यार, तुम लोग ज्ञानी आदमी,
सुनता हूं, चुप रहता हूं, चला जाता। तो बोला कि अब शैतान का शासन ताकत कम हो रहा है, मतलब मोदी जी को शैतान बोल रहे हैं वो लोग, जो भी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे को दोष नहीं देना, मैं लोगों का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं कि उनके मुंह में क्या प्रसन्नता, क्या आनंद, बड़ा खुश हो गए। और हमारे यहां तो राहु केतु दोनों डोमिनेटेड एरिया है, उतना नहीं लेकिन है। तो इस कंडीशन में ये जो ग्रह स्थिति दिखाई दे रहा है इनका बल, और मालिका शास्त्र में बताया कि इस समय में पर्यावरण प्रदूषण जनित, ग्लोबल वार्मिंग जनित अनेक समस्याएं दिखाई देंगे जिसको कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धन हानि, धन जीवन का हानि, कहीं पर बहुत सूखा और कहीं पर बहुत जल जला, ये प्रचंड डिसबैलेंस का परिणाम विगत 30 साल का रिजल्ट देगा, जो हमारे उड़ीसा में भी हमारे नवीन जी और बाबा पांड्यन, इधर नाम चेंज कर दिया हमारे पांड्यन जी का, पांडु ही बुला रहे हैं इधर, जो ट्रोल हो रहा है मत बोलो, जो यहाँ उड़ीसा में जो ट्रोल चल रहा है बोल रहे पकड़ेंगे तो नंगा करके उसको, चलिए वो सब हमारे उड़ीसा का। देखिए यहां से सीखना है, हमारे उड़ीसा का 25 साल का शासन से अगर हम लोग नहीं सीख पाए, बनाऊंगा उसके ऊपर बड़ा वीडियो, उड़ीसा के लिए भी बनाऊंगा। इतना शोषण 25 साल में, इतना लूट इंटरनली स्मूथली, क्या बताएं, मुंह से तो अनेक गाली आ रहा है लेकिन नहीं दे रहा हूं, छोड़ो, इलेक्शन का टाइम है, बेचारा बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी क्या गाली दे। दुर्बल नेतृत्व, नपुंसक नेतृत्व का परिणाम 25 साल के अंदर इतना शोषण, इतना पॉल्यूशन, इतना, और देखिए ये आईएएस का बच्चा इतना बड़ा, हमारे राउरकेला में जॉब करता था पांडू, यहां कलेक्टर या कुछ एडीएम था, अगर इतना भी आइडिया होता, कुंडली दिखा लिया होता, एस्ट्रोलॉजी पकड़ लेता कि भाई मैं इलेक्शन में जाऊं तो कुछ फायदा होगा या नहीं, इतना प्रश्न कर लेता, एटलीस्ट आज नौकरी को नौकरी गया, मंत्री सपना का सपना गया, उसका बीबी भी आए से, वो भी शायद नौकरी चला गया, बीजेडी का प्रचार कर रहा था, या ट्रांसफर कुछ हो गया, या पनिशमेंट डिमोशन वोशन कुछ हो रहा है, इतना भी दिखा लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए एनीथिंग इट मे बी, उड़ीसा में अभी फूल का राजसन चलेगा, और उड़ीसा के ऊपर तो सबसे ज्यादा विपदा दिखाई दे रहा है मालिका शास्त्र के अनुसार और ग्रह स्थिति के अनुसार दोनों। तो जितने केतु जब सिंह में आता है या राहु सिंह में आता है या शनि सिंह में आता है, तो आप अगर इसका हिस्ट्री निकालोगे, 30 साल में एक बार शनि आता है, 18 साल में एक बार राहु आता है, 18 साल में एक बार केतु आता है, तो केतु आ रहा है राजा के घर में, तो राजा, मंत्री, नेतृवर्ग, लीडरशिप जो भी है उनका पावर में घटना, पीड़ित होना, संदेश में बड़े सारे आंदोलनों का, जैसे अभी कृषक आंदोलन हो रहा था, अभी तो बिन मतलब का आंदोलन बढ़ेगा, कोई हक दिया आंदोलन, कोई पात दिया आंदोलन, कुछ और, क्यों, उस समय तक 10 साल तक इन गधों का ताकत नहीं था, अभी ताकत मिल गया है, पावर मिल गया है, पावर प्लस, ये करेंगे, इधर से भी करेंगे, उधर से भी करेंगे, हवा देंगे, ये दिखाई दे रहा है। और कुछ राज्य, मुख्यतः साउथ का 4 राज्य में से, इन राज्यों का कुछ भारी नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, बड़े गड़बड़ यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि सहन कर पाना राष्ट्र लेवल के लिए चिंतनीय विषय हो सकता है। ये मोदी जी का इस समय आधा पावर वाला पीएम, तीसरा पीएम, इसका रिजल्ट आने वाला समय, मैं यहां पर इतना ही कहूंगा, शेयर सट्टा लॉटरी जो है यानी शेयर मार्केट,
मेटल मार्केट, कोल मार्केट, माइन ऑयल मार्केट, ऑयल सेक्टर, इंटरनेशनल ऑयल। और अगर हाँ, युद्ध तो भयंकर रूप में दिखा रहा है मीन सनी में, जिसके कारण विदेश से तेल, ये ऑयल सेक्टर इत्यादि, खाने का तेल भी और फ्यूल ऑयल दोनों, महंगाई बढ़ना या प्रोडक्शन में रुकावट या सप्लाई में रुकावट या जो आमदनी रप्तानी हो रहा है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर समस्या खड़ा होना जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। जनमानस के अंदर विद्रोह और अशांति का वृद्धि दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। यह था देश का प्रेडिक्शन। अब मैं कुछ अपना बात, देखो बिगड़ने वाला तो है कंडीशन, हाँ कुछ हद तक फिनिशिंग होगा, मरम पट्टी होगा, आपको समझाया जाएगा, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल मीडिया और ये बाकी लोग जो भी क्या क्या मीडिया बोल रहे हैं उस सब में मुंह में लेना नहीं चाहता हूं, नाम आप समझ रहे हो किसका बात बोल रहा हूं। और उधर से जो ठिठी बाबा, वशिष्ठ बाबा, ये लोग आग में तेल डालने का, घी डालने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का, ऐसे और भी है ना फुल अगेंस्ट वाले, कुछ लोगों का ऐसा न्यूज सुनने के लिए मिलेगा जो राजीव दीक्षित साथ हुआ था। यहां ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये नहीं हो, कोई और हो, आप लोगों को तो एक दो का वीडियो मिलता है, लेकिन बाकी लोग भी बैठे हैं ना भाई टांग खिंचाई वाले। अगर पाकिस्तान में हिडन किलिंग हो रहा है तो कुछ संवाद तो आपको मिलेगा, पता नहीं चलेगा लेकिन मिलेगा। इनको सावधान रहना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रह बता रहे हैं। राजीव दीक्षित के साथ अगर ठिसाएं हो गया, दवाई दे दी, हार्ट अटैक हो गया, जो भी वो पता नहीं सच झूठ मैं नहीं देखा हूं, लेकिन ग्रह स्थिति ऐसे कुछ बता रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में पागलपन बढ़ेगा। या ऐसा कभी मत करिए कि वर्तमान समय में जो भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, ग्रह स्थिति ऐसे बता रहे हैं कि ये लोग सब बौखलाएंगे, पगलाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, गलत निर्णय होगा, जिसका खामियाजा और उसका कमी आने वाला लंबे समय तक करीब करीब 2028 तक भुगतना पड़ेगा, युद्ध का भी, युद्ध जैसे स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, इकोनॉमिकल डिसबैलेंस का सामना, ऐसे बड़े सारे नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देंगे। अच्छा गुरु जी सब नेगेटिव बोले, अच्छा क्या बोलोगे, अच्छा बहुत कुछ होगा, लेकिन जो अच्छा होगा इस कम खराबी के सामने, ये नेगेटिव के सामने कोई माने नहीं रखता। कुछ बड़े डिसीजन तो लेंगे जरूर, और उसका अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे, इकोनॉमिक फ्रंट में दिखाई दे सकता है, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में दिखाई दे सकता है, और वो चंद्रमा मंद्रमा मंगल मंगल वाला प्रोजेक्ट में जा सकता है, दिखाई देगा, और हमारे युद्ध सरंजाम जो भी बंदूक बंदूक जो भी समझ लो यार, तेने टैंक बंदूक पश्तू जो भी समझ लो, उस क्षेत्र में कुछ न्यू इनोवेशन दिखाई दे रहा है, नया चीज कुछ बिल्डअप हो सकता है। हाँ वो जो अदानी अंबानी वाला नौटंकी है, ये प्रच्छद में कुछ ज्यादा ही आक्रोश का शिकार भारतीय स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये था बेसिक। अब मेरा बात, मैं जो उस समय बोलने वाला था और बैठ गया, 2028 इलेक्शन के लिए नेतृत्व का आवश्यकता है, अगर सच में कोई देश के लिए करना चाहता है। देखो भाई अभी जो सरकारी जो ये है ये नहीं दिख रहा है, करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन एक नया मास को खड़ा करना पड़ेगा, ये मेरा पर्सनल बात बोल रहा हूं। अगर ऐसे मेरा मैसेज किसी तक पहुंच जाए तो अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं या फिर मेरे साथ मिल सकते हैं, मेरा
इंटरनल जीवन का यही लक्ष्य था कि देश के लिए एक ऐसा सत्ता और शक्ति, एक नेतृत्व का निर्माण किया जाए। मैं इसके ऊपर अलग सा एक वीडियो दूंगा जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन हिडन काम है तो हिडन लेवल पे करना पड़ेगा। ओपनली ये सब बात मैं खुल के नहीं बोल सकता। हम लोग चाहें तो अभी ये लोग क्यों, जैसे हमारे उड़ीसा में जितने ब्यूरोक्रेट खा गए 25 साल के अंदर, ऐसे खा गए कि मत बोलो। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और बात जा रहे दादन, दादन खटने के लिए जा रहे हैं। दादन श्रमिक उड़ीसा से मिलते हैं, नरम दिल का। इसीलिए यहां पर बड़े सारे आईएएस को प्रेजेंट प्लांट किया गया ताकि उड़ीसा का विकास नहीं हो और दादन खटने के लिए उड़ीसा में खनी, खदान, खनी मतलब माइंस, फैक्ट्री, राउरकेला स्टील प्लांट से लेके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। लेकिन उड़ीसा में लोग दादन श्रमिक बनने के लिए बाहर हाथ कटवाते हैं और वगैरह वगैरह। चलो दुख का बात क्या बताएं, जितने माइंस है, चोरी छुपे क्या क्या हो रहा है बिना बताए ऑन पेपर, ये सब मैं बोल नहीं सकता। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि इनके ऊपर नजर रखने वाला और इनको देखो, पवार के सामने सामने लड़ नहीं सकते, सामने आप कॉम्बैट नहीं कर सकते पवार में। अभी सोचिए, इतना दिन पांडू था बीजेडी मतलब नवीन पटनायक के पार्टी के लोग जाके उसके सामने भेंट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ट्रैप करके रखा था। मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे। क्यों किया? क्योंकि ये लोग को लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है या हमारे अंदर हमें नजर रखने वाला कोई नहीं है, वी आर फ्री फ्रॉम ऑल। लेकिन आज जो इंटरनेट का जमाना है और जो सिस्टम है आती वगैरह, हम लोग चाहें इनको छठी का दूध याद दिला सकते हैं, लेकिन दिलाने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रोटेक्शन मास चाहिए। तो जो युवा वर्ग चाहते हो, मुझे पता है कोई नहीं चाहोगे, सबको अपना रोटी चाहिए, अपना पेट चाहिए, करो। लेकिन बाय चांस मेरा मैसेज अगर किसी तक पहुंच जाए, क्योंकि चाणक्य को बहुत आदमी नहीं चाहिए, एक चंद्रगुप्त चाहिए। कृष्ण को बहुत सारा अर्जुन नहीं चाहिए, एक अर्जुन चाहिए। गुरु रामदास को बहुत शिवाजी नहीं चाहिए, एक शिवाजी चाहिए। तो कोई ऐसा तैयार है, ऐसे कोई इंटरनल, देखो इस ऐसे आदमी के लिए फिल्टर करना पड़ेगा, गुप्त लेवल पे काम करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। एक तरफ नेता मंत्री खा रहे हैं, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ओएएस खा रहे हैं, आईपीएस खा रहे हैं। तो चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा संगठनात्मक काम बिना नाम लिए, बिना कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन किए, बहुत सा ऐसा रास्ता है और इस समय देश को यह आवश्यक है। मैं कोई हिंसा करने का या किसी को फंसाने का या किसी को किसी प्रकार का हानि नुकसान पहुंचाने का बात नहीं कर रहा हूं। यहां दो पार्ट रहेगा, एक पार्ट यह है कि हम देश के लिए एक ऐसा संगठन बना सकते हैं जो नेता मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स का नाक में रस्सी लगा सके, लगाम लगा सके। बहुत सरल रास्ता है, कोई लॉ को लेने का जरूरत नहीं, और सामने जाके भीड़ के मरने का भी आवश्यक नहीं है। छुपे हुए सब फुल सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, किसी को पता तक नहीं चलेगा। दूसरा पार्ट इसका यह है कि जो भी इस देश में वर्तमान जो इलेक्शन में मोदी जी का स्थिति रहा, और जो हम लोग ये आशा लेके बैठे हैं कि मोदी जी जो भी सबको नौकरी वोकरी दे देंगे या नौकरी स्किल डेवलपमेंट करवा देंगे, 10 साल में नहीं हुआ, अभी क्या होने वाला है यार। अभी तो और हालत पीड़ित अवस्था में, किसानों को उद्धार कर देंगे पॉसिबल नहीं है, ग्रहों स्थिति नहीं बता रहा है। मोदी करने के लिए कोशिश कर भी दें, किए थे मोदी, खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूं, 14 लाख मुझे दिए थे, मैं काम कर रहा था किसानों के लिए, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक फार्मिंग के ऊपर। लेकिन वो चला नहीं, उसके बाद आया नहीं, एक ही बार में सोचे कि सबका कल्याण हो जाएगा। 14 शिविर के, हर एक शिविर के लेके 1 लाख रुपए आया था, फिर GST लगा दिए, फिर हम लोग कर नहीं पाए, 4 शिविर मुझे बंद करना पड़ा, पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा, वो अलग नौटंकी है, सरकारी लेवल पे होता है, इसमें दुखी होने का कोई बात, दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। मतलब काम खाने के लिए दें और मुंह में कपड़ा बांध दें कि अब खाओ, देखने के लिए बोले और आंख में पट्टी बांध दें, तो ये होता है, इसमें सरकारी लेवल का काम है और जैसे होना चाहिए ऐसे ही होगा, क्योंकि सरकार हो जाए लेकिन क्या करें, ग्रह तो है, सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं,
स्टार्टिंग में अच्छा इम्यून सिस्टम था, तो 10 साल में नहीं हुआ। तो हम लोग बोलते हैं जहा ही नहीं बाड़ो काले तहा कि वो पछला बाड़े, यानी जो नहीं हुआ अभी क्या होने वाला है। तो वो अभी तो वो भी पावर नहीं है, अभी वो उस प्रकार का स्थिति नहीं है। तो इस कंडीशन में दोनों पार्ट, एक तरफ अपन लेवल पे ऐसे बहुत कुछ, मेरा एक चैनल है स्वावलंबन गुरुकुल, स्वदेशी गुरुकुल, और एक ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, 1000 टेक्निक फॉर इनकम सोर्स, उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। माने नहीं माने, अगर ऐसा कोई युवा है जो स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, मुख्यतः क्योंकि नेतृत्व विकास हो गया तो आपको नौकरी का भीख मांगने का जरूरत नहीं है, लीडरशिप मैनेजमेंट में इस बात को बताया जाता है। तो 5 साल में मैं आगे का इलेक्शन के लिए कुछ नेता बनाना चाहता हूँ जो जीरो बजट इलेक्शन में लड़ सके, सोशल लेवल पे वो काम कर सके। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मेरा प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, आप मानो नहीं मानो अलग बात है, लेकिन मैं उड़ीसा लेवल पे इसके ऊपर बड़े जोर से काम कर रहा हूँ। 5 साल में 365 × 5 साल, एक दिन भी बाकी नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि ऐसे नेतृत्व शिविर चले और ये नेता लोग जाके इस प्रकार के नया पीढ़ी का लीडर, 6th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 3G, 5G आ गया ना, लेकिन नेता 5G नहीं हो पाए अभी तक, वही 2G में पड़े हुए हैं। आप सोचो, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का कोर्स, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का कोर्स, नेता बनने के लिए 0 ईयर कोर्स। कोई भी गधा, भेड़, बकरा, अनपढ़, गवार, ठेपाछाप, क्रिमिनल जाके नेता बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम नेतृत्व विकास के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो इस क्षेत्र पे ऊपर काम करने का हमारा चल रहा है। आप, अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए, ऐसे युवाएं हैं, नो डिस्ट्रक्टिव, नो इलीगल, पूरे लीगल लेवल पे दिमाग शांत रख के कूटनीति राजनीति को हैंडल किया जा सकता है और बड़े से बड़े रिजल्ट इस देश को दिया जा सकता है। अगला समय में जो डिस्ट्रक्शन लेवल आ रहा है, आप लोग बोलोगे इतना सारा नेगेटिव बोले गुरुजी, यार मीन शनि में क्या बोले, शनि राहु का क्रॉस ट्रांजिट में क्या बोले, सिंह में केतु बैठेगा क्या बोले, कहां से पॉजिटिव बोलने के लिए दिखाई दे रहे, जब राजा का घर ही पीड़ित हो रहा है। तो और मालिका शास्त्र भी बता रहा है 28 तक बड़े सारे उथल पुथल दिखाई देंगे 5 साल के अंदर, 2-3 डायरेक्शन दिया मैंने। और इधर अभी ढिया और पनौती तो आने वाला ही है, तो पनौती में कोई कभी ज्ञानी का, अभी सोचो तुला राशि वालों का पनौती चल रहा है, एक तुला राशि दिखा दो जो विज्ञ और ज्ञानी जैसे काम कर रहा है, सब बेवकूफ, बुड़बक, मूर्ख, मूर्खाधिराज, परम मूर्ख, गजमूर्ख, ज्ञानांध बन के बैठे हुए हैं, उनसे आशा करोगे? नॉट चांस, नो चांस। तो आशा करता हूं मेरा बात आप समझे होंगे। आने वाला 5 साल नेतृत्व विकास कोर्स कैंप शिविर, जिसमें आने वाला समय में देश को कुछ नया राजनीतिक जीरो बजट वाला दिया जा सके, देश को पैसा मुक्त इलेक्शन कराया जा सके, क्योंकि पैसा है बोल के तो करेक्शन है ना, सबको गवर्नमेंट देगा कि इतना हम दे रहे हैं, भाई तुम टीवी में बोल, पेपर में बोल, पोस्टर ले ले, पंपलेट ले ले, सरकारी पैसा में कर ले, सबको समान दे दे, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पीछे धन्ना सेठ बैठे हैं, वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे ना, टारगेट दे देगा कि इतना रुपया से 1 रुपया खर्चा नहीं कर पाओगे, और वो भी दिखना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली, पीछे लगा दे एकदम, कुत्ता लगा दे एकदम, बेटा एक भी कोई ज्यादा खर्चा किया तो दौड़ा उसको, जीरो बजट इलेक्शन होगा, नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, फिर देख लो देश का नेतृत्व वर्ग चेंज हो जाएगा, एनीथिंग इट में भी। ये तो चलाने का काम चल रहा है हम लोगों का जीरो लेवल से, आगे से भी चलते चलते आ रहा था, कभी बोला नहीं। इस बार का इलेक्शन देख के बहुत शक में हूं, दुखी हूं, नहीं मोदी जीते बोल के दुखी नहीं हूं, या राहुल जीता बोल के मैं सुखी नहीं हूं, मुझे इन दोनों पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है अपने जगह में अच्छे हैं, देश का हालत के लिए ओरिड हूं, क्योंकि आने वाला समय में जो डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, मैं नहीं कह रहा ऐसा डिस्ट्रक्शन की रातों रात सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक साइलेंस लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन है, जो पॉलिटिकल लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन है, और हमारे देश के खाद्य में महंगाई, युवा बर्बादी, बेकारी, इस प्रकार के जो, और जो देश का देश छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो एक तरफ नेतृत्व का विकास, लीडरशिप कॉलेज डेवलपमेंट, ताकि लीडरशिप कॉलेज में बच्चे अपने को, अपने अंदर का नेतृत्व को विकास कर सकें, क्योंकि ये कोई पढ़ने से नहीं होता है कि नेतृत्व का बुक पढ़ लिया, लीडरशिप बुक, लीडरशिप कोट, लीडरशिप वीडियो, ठेंगा होने वाला है,
आंतरिक विकास, नेतृत्व लेवल का विकास करना, स्वावलंबन, स्वरोजगार और रोजगार का कंडीशन को बिल्डअप करना, बहुत सारा स्कोप्स है, किया जा सकता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोई काम करना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता है, तो उस स्थिति को बिल्डअप करना, स्किल डेवलपमेंट से लेके व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र का विकास युवाधन के लिए, और इनका लक्ष्य क्या रहेगा कि इनके माध्यम से एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्मेशन करना और देश के नेतृत्व को आगे बढ़ाना, देश का महंगाई को घटाना। सिंपल सा बात है यार, कृषि गुरुकुल में 1000 बच्चे अगर किसानी करने आ जाए, कृषि करने आ जाए, जीरो बजट फार्मिंग, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करने लग जाए, तो उस एरिया में महंगाई घटेगा या बढ़ेगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा रेट, लेकिन ये कोई करना नहीं चाहते। जंगल जंगल का बात करते हो, एक अगर कोई सरकारी नेता बढ़िया इस देश का एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे कि भाई जो सबसे बेस्ट जंगल बना लेगा, जो सबसे बेस्ट पेड़ लगाने का ऑर्चार्ड बनाएगा, बगान बनाएगा, करोड़ों रुपया का इनाम दिया जाएगा। यार 5 साल के अंदर इतना जंगल, इतना ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं कि मत बोलो, लेकिन वो देने वाला कोई नहीं है, सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बहुत से नीतियां हैं जो हमारे देश की स्थिति को परिवर्तन कराया जा सकता है। दुर्भाग्य है, नहीं हो रहा है। जब नहीं करेंगे और नहीं हो रहा है, ग्रह स्थिति भी बोल रहा है, उनके दशांतर दशा भी बोल रहा है, और देश का दशांतर दशा भी बोल रहा है कि ये डिस्ट्रक्शन, और पूरे विश्व में भी आप देख लो ना, कोई एक जगह बताओ जहां शांति है, हर जगह कहीं ना कहीं लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, शत्रु युद्ध, तो भारत कैसे वहां से बच जाएगा? और ऐसे भी तो भारत के साथ पाकिस्तान, चाइना लगे हुए हैं, और आने वाला टाइम भी वही दिख रहा है कि इनके अंदर से और कुछ नौटंकी बढ़ सकता है। और मालिका शास्त्र में तो बताया गया है कि 5 कंट्री हमारे देश के ऊपर अटैक करेंगे, और कभी भी कर सकते हैं, और ग्रह स्थिति भी ऐसा बता रहा है। इनका देश, देश, इन देश, इन देशों को अगर आप मतलब गाइड करके देखते रहे तो पता चलेगा कि इनके अंदर अंदर ही अंदर से, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, इंसिडेंट को बताना नहीं चाहता हूँ, मेरा चैनल, ये चैनल उसके लिए नहीं है, अलग राजनीति चैनल खोला हूँ, आप लोग जिनको इच्छा उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो, संजय जी 75 ट्रूथ पॉलिटिक्स, और उड़िया चैनल है उड़ीसा राजनीति, और एक है हमारा आदिवासी राजनीति, 3 चैनल है पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा, धीरे धीरे काम चला रखा हूँ, मैं थोड़ा सा इलेक्शन के कारण दब गया था, उसमें वीडियो नहीं डाल रहा था, आने वाला चल में समय में इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आराम से होगा। तो मेरा मैसेज अगर आप लोग तक पहुंच रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, नहीं मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं तो ये एस्ट्रोलॉजी से संन्यास लेना चाहता हूँ कि कहीं जाके ध्यान करूँ, योग करूँ, आराम करूँ, शांत रहूँ, और योग निद्रा, और जिंदगी में ले देखे हो 30-40 साल मेरा बचा है, 50-55 पार कर रहा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ मैं, तो अभी तो मेरा संन्यास और मतलब गृहस्थाश्रम खत्म करके वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम है, लेकिन फिर भी कुछ कर्तव्य कर्म देश के लिए और समाज के लिए बाकी है, इसलिए कर्मयोग और कर्म संन्यास योग से काम करना पड़ेगा कि हर एक कर्म के अंदर मुझे अपने आध्यात्म और संन्यास और ब्रह्म तत्व और ईश्वर भक्ति के ऊपर काम करना पड़ेगा। आशा करता हूं मेरे भाव को आप समझते रहे होंगे, मैं हालांकि बहुत क्लियर नहीं समझा पाया, आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दिस वीडियो, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर कुछ वीडियो और आएंगे। लेकिन याद रखिए, इस समय कंक्लूजन करते हुए, इस राजनीतिक जो भी मतदान हुआ है, जो भी मोदी जी को मिला है, और जो भी लाल टोपी और ये बगला बाबा को मिला है, ये संकेत अच्छा कदाचित नहीं है, परेशानी है। यहां अच्छा होगा इसका लेस मात्र सोच तो समझ लेना कि बेवकूफी और बुड़बकी है। और इस समय इस देश में अच्छा करने करवाने वाला नहीं दिख रहे, इसलिए हम साधारण नागरिक जनताओं को जागृत, एकत्रित और उत्पादक बनना ही पड़ेगा। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा, फिर से यहां पर कई वीडियो में दोहराया, इसमें भी कह रहा हूं कि कृपया कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खेती, पेड़ और शुद्ध देसी गाय का रखरखाव और बचाव के लिए काम करें। गाय बचेगी देश बचेगा, गाय बचेगी अन्न बचेगा, गाय बचेगी पानी बचेगा,
गाय खत्म, देश खत्म। मालिका शास्त्र में बताया गया कि जिस दिन देसी गौवंश भारत वर्ष से खत्म हो जाएंगे विश्व से, उस दिन समझना कलयुग का अंत हुआ और महाप्रलय शुरू होगा, सब खत्म होगा। तो गौ माता का रक्षा करने के लिए हमें प्रयास आवश्यक है। नहीं नहीं, मैं किसी को दान चंदा नहीं मांग रहा हूं कि दोगे तो गो रक्षा करेंगे। उम्र हो गया यार, बहुत काम कर लिया जिंदगी, मेरा जिंदगी फ्री सेवा में चला गया। आप जो लोग जानते होंगे मेरा वीडियो, अब मेरा जो सबसे पुराना चैनल है 15-20 साल का, यूट्यूब चैनल 15-14 साल का है, संजय जी 75 गौ कथा बाय आचार्य संजय, या मेरा जो मोबाइल नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418 कथावाचक आचार्य संजय गौ कथा, ये प्रवचन निकाल दोगे तो वो वीडियो आ जाएगा, वो चैनल का वीडियो आ जाएगा मेरा। तो घूम घूम के मैं विगत 30-32 साल से प्रवचन कर रहा हूँ, और अल्टरनेटली बचपन से 42 साल छोटे छोटे गांव में कर रहा था, उसके बाद सारे देश का लेवल पे कर रहा हूँ। तो गौ माता बड़ा आवश्यक विषय है और सेंसिटिव विषय है, और आपको जान के खुशी होगा कि यहाँ पर मैं ये सब बात एक्सपोज करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे जो हम सब का जो बॉस है, डायरेक्टर है, नाम लेने के लिए मना किए, मैं ले जा रहा हूँ, हमारे चंदू भाई साहब जो हम सबके ऑफिशियल बॉस है, इनका हम लोग मिलके जो सबसे बड़ा गौशाला गिर गई एंड उसका किए हैं, बड़े सारे कैंसर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, किडनी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं हमारा गौशाला में, गोमूत्र पर जगह इत्यादि का। इसको बोलने से वो वीडियो वीडियो सब ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो जिसको ऐसा प्रॉब्लम है, सोरियोसिस, किडनी, कैंसर एंड ये सब, आप मेरे से मैसेज कर देना, मैं उनका नंबर दे दूंगा, उस वो दायित्व तो पूरा वो लेके रखे हैं। तो गौ माता के परम भक्त हैं और बड़े सारे जगह में गौ कथा वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और हम लोगों का जो बड़ा गौशाला है वो हम लोग सब मिलके उस लेवल को खड़ा किए हैं। कई वीडियो में दिया हूँ इस भी चैनल में भी, तो इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई पेशेंट है जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, इस प्रकार का बीमारी जो लंबे समय का, आप लोग मुझे आज शाम को बोले कि आप मेरा नंबर दे सकते हो, तो मैं इस समय बता रहा हूँ कि पंचगव्य थेरेपी के माध्यम से हमारे गौशाला में इस प्रकार का कार्य हाथ में लेके कर रहे हैं सफलतापूर्वक, उनका आदेश हुआ जिसके लिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो मैं उनका नंबर दे दूँ तो आप उनसे अपना, ऐसे कोई बीमार चल रहा है तो, हालांकि मैं मेरा स्वास्थ्य संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल, आप चैनल में जा सकते हो, और गौ कथा चैनल पंचगव्य चिकित्सा आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, इसके ऊपर तो मेरा सबसे, मेरा मूल काम तो यही था। तो वो अभी क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आ गया हूँ, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो आप उसमें भी सब्सक्राइब करके हमारे चिकित्सा केंद्र इत्यादि का जो काम चल रहा है इसमें आप आ सकते हो और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हो। इन विचार बिंदु के साथ विषय को यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।